नमस्कार, मैं अजय गर्ग, आप देख रहे हैं एसएन सेवन न्यूज और हम है ग्राम खड़गड़ी में और हमारे साथ है यहाँ के नव निर्वाचित प्रधान विपिन कुमार त्यागी जी। आइए पेश है उनसे बातचीत। आपको प्रधान बनाया जाए, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू जी। जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से आपके गाँव में क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे गाँव में सबसे पहले तो यही समस्याएं खरंजी नालियों की जी, स्वास्थ्य केंद्र जी और शिक्षा की ओर विकास होना चाहिए जी। सबसे पहले आपने मुद्दा उठाया नाली फंजू। हाँ जी, सबसे पहले जी यही मेरे चुनाव में हुआ था पहले जी। अगर नाली खरंजू की बात की जाए तो उसमें सबसे जो मुख्य दिक्कत आती है वो आती है पानी निकासी को लेकर। हाँ जी। अगर पानी निकासी नहीं सही नहीं है तो आप कितनी अच्छी सड़क बना लीजिए वो तालाब बन जाती है, तो पानी निकासी को लेकर आपकी क्या योजना रहेगी? पानी निकासी के लिए ये योजना है कि ये तालाब है हमारे यहाँ तीन गाँव जी, जी हाँ, इनका सौंदर्यकरण होना चाहिए, इनमें खुदाई उदाई होकर ठीक होना चाहिए जी, उसके बाद सड़कें बननी चाहिए। हाँ जी जी। उसके अलावा एक मुद्दा आता है, कौन सा मुद्दा उठाया आपने? शिक्षा बढ़े, शिक्षा जी, शिक्षा बढ़े तो कहने को हर जगह प्राइमरी स्कूल है। हाँ जी, लेकिन ना तो वहाँ ढंग से पढ़ाई हो पाती है, मिड डे मील में भी आए दिन शिकायत आती है। अभी लेटेस्ट एक खबर आई थी कि छतरी उसमें मिली है, उसकी वजह से 600 बच्चे जो है बीमार हो गए जी, जी, जी। तो वहाँ पर एक प्रधान का दायित्व बनता है, तो वहाँ पर आपकी क्या कार्य योजना रही है? देखो, मैं तो जब भी खाना बनता पहले खुद जाता हूँ, उसे चेक करता हूँ जी, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है राशन प्रणाली को लेकर, क्योंकि गरीब की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती, दो वक्त की रोटी उसे मिल जाए उसके लिए बहुत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि राशन प्रणाली इतनी करप्ट हो चुकी है कि उसका गरीब का राशन गरीब तक नहीं पहुंच पाता है जी। तो वहां पर भी एक प्रधान का दायित्व बनता है कि वो उस बारे में कुछ निगरानी रखे, उसके सिस्टम को देखता रहे, तो आपकी क्या योजना रहेगी? देखो, अभी तो हमारे यहाँ राशन कार्ड पूरे नहीं बने कहीं भी, मुझे लगे हापुड़ जिले में तो बने ही नहीं अभी जी। बिल्कुल ठीक है ना, और कोई ना कोई आता जब राशन बढ़ते हैं, कोई ना कोई आता हम प्रधान जी मेरे साथ चलो, मुझे उसके साथ जाना पड़ता भैया से भी। तो उसके अलावा आप इस बात पे देखते हैं कि मतलब जो पात्र लोग हैं उन्हें राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ज़्यादातर तो मिल रहा है, लेकिन जैसे 22 दफ़े हो जाती है मिस्टेक सी, फिर उसे मैं अगली बार मिलवा देता हूँ जी। 20% कार्ड नहीं बन पाए जी। पीने के पानी की क्या स्थिति है यहाँ पर? पीने के पानी की तो स्वास्थ्य बढ़िया नहीं, बढ़िया नहीं, मतलब प्रदूषित हो चुका है लगभग सभी गांव में हो चुका है। तो उसके बारे में आपका क्या योजना है? जो मुझे टंकी मिल जाए मैं सबसे पहले टंकी लगाऊंगा। तो टंकी के लिए आपने प्रयास किया अभी तक? अभी फिलहाल मैंने कोई नहीं किया। तो आप जल नहीं, अभी मुझे जल निगम में जाके जल निगम में आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, ठीक है, एप्लीकेशन डालिए आप। अच्छा, और अपना वहाँ की टीम आएगी, पानी चेक करवाइए, देखिए हमारे यहाँ पानी प्रदूषित हो गया है, इसकी वजह से इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, क्योंकि आज के टाइम में आधी ज़्यादा बीमारी होती है पीने के पानी की वजह से होती है। मेन चीज़ तो वो आएंगे और उसके बाद आपका कार्य हो जाएगा। ठीक। इसके अलावा सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कैंसर की बीमारी हो जाती है जी, पानी की वजह से। चीज आप जरूर दिखाइएगा कि हमारे गांव में कितने व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है और वो पीने के पानी की वजह से हुए। हाँ जी बिल्कुल, तो उस चीज़ का असर जरूर पड़ेगा जी। इसके अलावा बात अगर स्वास्थ्य की चल रही है तो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, तो उसके बारे से देखो 14 किलोमीटर बैठता स्वास्थ्य, बहुत लंबा दूर है। मैं ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि गरीब आदमी जो 100-150 रुपए रोज कमा रहा है वो आदमी 400-500 रुपए डॉक्टर की फीस कैसे दे सकता है? नहीं, ना तो उसके पास टाइम है ना पैसा है बेचारे के पास, तो उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो कुछ योजना बनाई है आपने इस बारे में? बिल्कुल बना रखी है जी। क्या योजना बनाई थोड़ा सा? ये है कि मुझे स्वास्थ्य केंद्र मिले और मैं उसे जगह दूँ और बनवाऊँ। मेरा नाम विपिन कुमार त्यागी, ग्राम प्रधान खड़खड़ी। मैं सभी देशवासियों को, ग्राम वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ हिंदू वर्ष व ईद की।